हेलो गाइस, दिस इज़ मी तनवीर एंड वेलकम टू ऑल टुडे न्यू वीडियो। स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे पास एक ऑर्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी स्पेशलिटी कैफ़े, और ये रेडी हो चुका है। यहाँ पर रेडी ग्रीन दिखा रहा है, तो अब इसको लेने चलते हैं, ठीक है। और बीच में कुछ बातें भी करेंगे। बहुत से लोगों के सवाल आते रहते हैं, बहुत से लोगों के अकाउंट नहीं बने हैं, किसी के अकाउंट सीज हो गए हैं, इन सब के बारे में अभी बात करते हैं, ठीक है। चल के पहले ऑर्डर उठाते हैं, उसके बाद अभी बताऊंगा। मैंने जो एक कम्युनिटी पोस्ट पहले से डाला हुआ है, आपने देखा होगा, फिर से मैसेज आ गया है। कम्युनिटी पोस्ट भी आपने देखा होगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो भी सही खास है या आमिल मंजिल है, इवन किसी के अकाउंट भी अगर एक्सपायर हो गया है और उनकी आईडी अगर क्लोज हो चुकी है और वो काम करना चाहते हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, तो भी उनकी आईडी बन सकती है। उनको खाली एक नया नंबर लेना है और नंबर मुझे दे के उसको बोलना है कि इस नए नंबर पर मुझे अकाउंट चाहिए। तो हमारे पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि मैं कंपनी से बात करके, मेरी जहाँ पर ऑफिस में बात है, तो वो न्यू अकाउंट बना देते हैं आपके नंबर पर। डॉक्यूमेंट्स उस पर किसी और के लग जाते हैं, ठीक है। और इस तरह के अभी जिस तरह के रमज़ान चल रहे हैं, अभी टाइम हुआ है 12 बज गए हैं, तो ऑर्डर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में रमज़ान का जो स्टार्टिंग फेज़ रहता है 10 दिन का, स्टार्टिंग के 10 दिन, इसमें थोड़ा लोगों को सेटलमेंट होने में टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अभी किसी के पास भी ऑर्डर इतने ख़ास नहीं है। कुछ आईडी ऐसी है जो चलती रहती है, उनके पास ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर आते रहते हैं, क्योंकि वो चल रही है। जो इंसान खड़ा है वो खड़ा है, जो बैठा है जो हिल नहीं रहा है उसके पास ऑर्डर नहीं आ रहा। एक एक इंसान ऐसा बैठा है कि वो 4 घंटे से बैठा है, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। और एक इंसान ऐसा है कि उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं, वो एक ऑर्डर दे के आता है, दूसरा ऑर्डर उसके पास आ जाता है, ठीक है। तो मैं अभी चलता हूँ, यहाँ मैं कॉफ़ी पे आ गया हूँ। यहाँ से मैं जो गोल्डन दिख रहा है लाइट, यहाँ से कॉफ़ी उठानी है, मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ इससे सेमी कैफ़े में से। कैफी कॉफ़ी लेके आता हूँ, मतलब ऑर्डर लेके आता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ऑर्डर उठा के मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है 19 किलोमीटर का, और ये पूरा मैप खुला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं और गाड़ी को लेके चलते हैं। 12:14 हो चुकी है, ठीक है, और ऑर्डर देने जाते हैं। उसी के बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है, और गाड़ी चलाते रहेंगे, ठीक है। तो एक भाई का मुझे मैसेज आया था कि उनकी साई खास के ऊपर अकाउंट था उनका ऑलरेडी, जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, तो कह रहे थे क्या वो ओपन हो सकता है क्या। तो मैंने उनको बताया कि वो तो ओपन नहीं होगा, जो साई खास है या कम एक्सपायर है। तो इनकी मैंने जो कमेंट्स वो डाला था कम्युनिटी टैब में कि एक्सपायर इकामा भी आईडी बना सकता है, पर वो अपने अकाउंट पे नहीं बना सकता, उसके लिए दूसरा अकाउंट लगेगा जो कि ऑफिस वाले लगा के दे रहे हैं। मेरे पास उनका मैसेज आया था कि हम नया अकाउंट उनको लगा के दे रहे हैं, उनको अकाउंट चालू करके दे रहे हैं, जिससे वो अपना काम करते रहें, रूम पर ना बैठे। क्योंकि एक से मेरी बात हुई थी, भाई 2 महीने से रूम पर बैठा हुआ था। अब आप इस तरह से सोच सकते हो कि कोई आदमी 2 महीने से रूम पर बैठा हो, कैसे वो सरवाइव करेगा। तो जिसका इस तरह का मसला है कि कोई आदमी रूम पर बैठा है, खाली बैठा है, काम नहीं है, तो उसको नहीं बैठना है। अगर मेरी वीडियो कहीं तक मिलती है या किसी को ऐसा आदमी को जानते हो जो रूम पर बैठा है, उसको वीडियो शेयर कर देना, ताकि उसको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस तरह से नए अकाउंट बन रहे हैं और लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इशारा है, आप देख सकते हो यहाँ से ग्रीन हो गया है। तो इस तरह का किसी की परेशानी है जो रूम पर खाली बैठे हैं और उनके पास अकाउंट नहीं है, इकामा एक्सपायर। एक आदमी का मुझे मैसेज आया था, उसका 5 साल से पहले से इकामा एक्सपायर था, और उसी के साथ में एक और था, उन्होंने कहा हम 2 आदमी हैं, एक का आमिल मंजिल का इकामा है और एक का एक्सपायर पड़ा है। मैंने कहा मुश्किल नहीं, आप नया नंबर ले लो और नया नंबर ले कर मुझे सेंड करो, उस नंबर पर आपको अकाउंट बन के मिल जाएगा, ठीक है। तो नया नंबर लगता है और डॉक्यूमेंट्स ऑफिस वाले लगाते हैं और नया अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। अभी कुछ नॉर्मल सवाल ले लेते हैं। एक भाई का सवाल है कि रेंट पर कार लेकर क्या हंगर में काम कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, आप रेंट पर कार लेके कर सकते हैं। और फिर उसी ने पूछा था कि रेंट पर दिन के हिसाब से मिलता है, कैसे मिलती है गाड़ी। तो मैंने उनको बताया था कि गाड़ी रेंट पर मिलती है और मंथली मिलती है, जो कि 1500 से 2000 2500, जितना ऊंचा मॉडल आप रेंट पर रेंट करते हो लेते हो, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस लगता है, 2500 3000। यानी नया मॉडल आप लोगे तो और ज़्यादा महंगी मिलेगी, और 1500 1400 1500 मॉडल अगर आप रेंट पर लोगे तो 1500 1800 के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है।
अभी देखते हैं कोई दूसरा सवाल। एक भाई ने खाली सवाल किया हुआ है कि मुझे हंगर स्टेशन पर काम करना है, तो आप कर सकते हो भाई। आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, किसी का भी कोई भी सवाल हो तो पूछ सकता है, जो भी आपको पूछना हो। तो काम तो हर कोई कर सकता है, एकामा लाइसेंस होना चाहिए, एकामा और लाइसेंस वैलिड होना चाहिए उसके पास, और गाड़ी होनी चाहिए या बाइक होनी चाहिए, तो वो फूड डिलीवरी का काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिसके पास बाइक और कार भी है और एकामा एक्सपायर अगर किसी का है, तो उसको भी नया अकाउंट बना के दिया जा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में पहले बता दिया है क्या क्या उसकी कंडीशन है, ठीक है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो जहाँ पर भी आपको जानकारी लेनी हो ले सकते हैं। उसके बाद नया देखते हैं यहाँ से, अभी हम चलते हैं, कितना टाइम बचा है, 20-22 मिनट का रास्ता और बचा है। मैं कोई और कमेंट देखता हूँ, उसके बाद मैं उसका बताता हूँ आपको। और बहुत लोगों की ये परेशानी होती है, ये एक डाउट होता है, कन्फ्यूज़न होता है उनको कि गाड़ी हम कौन सा मॉडल ख़रीदें जिससे हम काम कर सकें, ठीक है। तो इकामा लाइसेंस कुछ आदमियों के पास है, लेकिन वो गाड़ी पूछते हैं 2008 ले तो क्या होगा, 2009 मॉडल ले तो क्या होगा, 2005 मॉडल ले तो क्या होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि गाड़ी के मॉडल से कोई मसला ही नहीं है, आदमी का इकामा और लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, उसके ऊपर अकाउंट बन जाता है आपका। आपकी गाड़ी पुरानी हो नहीं हो उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि खाना डिलीवर आपको करना है। अगर आप खाना डिलीवर कर देते हो तो आपको उसका डिलीवरी फीस मिलता है, चार्ज मिलता है। और अगर आप खाना डिलीवर नहीं कर पाते हो, कहीं रास्ते में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, कोई पंचर हो जाता है, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है, तो उसमें कंपनी किसी की नहीं सुनती है, वो जितने का खाना होता है उतना आपको फ़ाइन मार के आपके अकाउंट से माइनस कर देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रुपये का खाना आप लेके जा रहे हो और आप डिलीवरी को सक्सेसफुली कम्प्लीट नहीं करते हो, तो 200 रियाल आपके अकाउंट से काट लेती है। तो ये कोई मसला नहीं है, बस ऊंचा मॉडल गाड़ी लेने का यही फ़ायदा है कि टायर वायर सही रहेंगे जिससे पंचर वगैरह ना हो, और कभी इंजन का, कभी पंखे का, कभी फैन बेल्ट, कभी कुछ जो रास्ते में गाड़ी खड़ी हो जाती है वो वाला मसला नहीं आता है, जो थोड़ा अच्छा मॉडल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है, तो थोड़ा देख के गाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है, तो मैंने मोबाइल एक साइड में रख दिया था। और अभी भी हमारा रास्ता 19 मिनट का रास्ता बचा हुआ है, जो कि बहुत दूर का ऑर्डर था, ये तकरीबन 19-20 किलोमीटर ऐसे दिखा रहा है। और 22 रियाल या 26 रियाल का ऑर्डर था, मैंने अच्छे से देखा नहीं है इसको, ठीक है। और जो लोग मोटरसाइकिल पर काम कर रहे हैं अच्छी बात है, पर उनका ये है कि दूर का जो ऑर्डर होता है 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर उसको ले जाने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र हो जाता है और हाईवे पर गाड़ी बहुत फास्ट चलती है यहाँ पर, तो उसमें थोड़ा उनको मसला आता है, क्योंकि गाड़ी बाजू से इस तरह से क्रॉस होती है तो वो डिसबैलेंस होने का ख़तरा रहता है उसमें, ठीक है। तो बेहतर है कि जो पास पास के ऑर्डर है पास पास के ही पकड़े, दूर का ऑर्डर डिसलाइन ही कर दें, इग्नोर ही कर दें तो बेहतर है, पास का दूर का ऑर्डर ना ही पकड़े तो बेहतर है, ठीक है। तो पास पास के ही ऑर्डर 13-13 के जो जहेज़ में कर रहे हैं कुछ लोग, तो जहेज़ का भी एक आदमी का मुझे SMS आया था कि जहेज़ पे उन्होंने खुद ने अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो नहीं बनी है, और वो पूछ रहे थे कि ऑफिस कैसे जाना पड़ेगा। तो जहेज़ का इस तरह का मसला है कि जहेज़ वालों ने डिस्ट्रीब्यूटर छोड़े हुए हैं, जो कि कंपनी वाले हैं, उन्होंने ऑफिस खोल के बैठे हैं और रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं 100 रियाल, और 200 रियाल भी कुछ जगह पर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो अकाउंट आपको दे देते हैं, और 5 रियाल 7 रियाल 5 8 और 10, मैंने 3 तरह के ऑफिस अभी तक देखे हैं। कुछ ऑफिस वाले हैं जो 10 रियाल पर डे लेते हैं, और कुछ ऑफिस वाले हैं जो कि 8 रियाल और 5 रियाल पर डे लेते हैं। तो जिनको अकाउंट खुलाना है उनका ऑफिस होता है वहाँ पर, मेरी कोई अभी कहीं पर बात नहीं है, मेरे जिससे बात है वहाँ पर मैंने पूछा था उनसे, क्या जहेज़ का आपका कोई कोई ऑफिस है क्या, तो कह रहे थे अभी हम कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं हंगर स्टेशन के ऊपर, और 90% वर्क जो हम कर रहे हैं वो हंगर का ही कर रहे हैं, वो चाहे नंबर चेंज कराने का हो, एकामा एक्सपायर का हो, या नया अकाउंट बनाने का हो, या मेडिकल कराने का हो, ये सब सुविधा उनके पास अवेलेबल थी। तो आपको भी किसी को अगर चाहिए तो उसको आप मुझे पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं अपना ऑर्डर देख लूँ, किधर दिखा रहा है भाई, यहीं से बाहर क्यों दिखा रहा है, 5 मिनट स्लो और दिखा रहा है सॉरी रास्ते से, तो मैं थोड़ा यहीं से राइट ले लेता हूँ। स्लो क्यों दिखा रहा है,
वे दिखा रहा है, सेकंड वे इधर से एक रास्ता दिखा रहा है जो कि 5 किलोमीटर 5 मिनट स्लो है, और एक 17 मिनट का यहाँ से दिखा रहा है इसको, 13 किलोमीटर 16 मिनट का, और दूसरा रास्ता दिखा रहा है जो कि 5 किलोमीटर स्लो है। ठीक है, मैं ऑर्डर दे देता हूँ, ऑर्डर देने के बाद आपसे बात करता हूँ। अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आपको कोई भी कमेंट, कोई भी सवाल हो आपका कमेंट कर सकते हैं, और किस चीज़ पर आपको नई वीडियो चाहिए, क्या क्या परेशानी आपको आ रही है, तो कोई भी आपको परेशानी हो आप मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। ओके, सो गाइज फाइनली हमने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और उसने लोकेशन गलत रखी हुई थी, फिर उसने दोबारा से लोकेशन दी और बोला कि वहाँ पर विला नंबर 73 है, और वहाँ पर थोड़ा वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पड़ता, वहाँ पर देना पड़ा। और आप यहाँ पर टाइम चेक कर सकते हो, 12:54 14 मिनट पर वहाँ से चले थे और यहाँ पर 54 हो चुकी है, 40 मिनट जाने में लग गई है और आने में लग गई यहाँ पर, और यहाँ से जाने का रास्ता भी 40 मिनट का ही दिखा रहा है। ठीक है, पूरा जाम लगा हुआ है, तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ उधर, अभी इधर ही देखता हूँ कोई ऑर्डर अगर मिलता है तो। ठीक है, और यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।